हेलो गाइस, चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं देशबंधु कॉलेज के बारे में। पूरा कॉलेज हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फिर बात करेंगे कोर्सेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में। तो पूरा यहाँ पे डिटेल में रिव्यू करेंगे देशबंधु कॉलेज को। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए भी हो सकती है। तो वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। एंड चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है एस्टैब्लिशमेंट की। कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1952 में, राइट। एंड ये कॉलेज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का पुराने एंड जो बड़े कैंपस है, जो कॉलेजेस हैं, उनमें से एक आपका कॉलेज है देशबंधु कॉलेज, राइट। ये आपका साउथ दिल्ली का कॉलेज है। एंड ये कॉलेज आपको आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के कोर्सेज ऑफर करता है। अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की, तो यहां से आप 18 अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो एंड उसके अलावा 7 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आप यहां से कर सकते हो, राइट। सो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम आपकी पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन भी करवाते हैं, राइट। अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर सिर्फ आपको हेलो सेंड करना है एंड कोर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं सभी आपको शेयर कर दी जाएंगी, राइट। साथ में आपको डेमो वीडियोस मिल जाती हैं। अगर आपको डेमो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप भी हमारे साथ इनरोल कर सकते हो एंड आज से ही अपनी प्रिपरेशन आप भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या फिर बात करें फैसिलिटीज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑडिटोरियम देखने को मिल जाता है, उसके अलावा लाइब्रेरी है, लैब्स है, कॉमन रूम्स है, जिम है, कैंटीन है, फोटोकॉपी की शॉप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, वेब एक्सेस सेंटर यानी कंप्यूटर सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट। उसके अलावा मेडिकल रूम्स है, बैंकिंग की फैसिलिटी भी आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है एंड उसके अलावा सेमिनार हॉल है एंड और भी काफी सारी फैसिलिटीज है जो आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगी, राइट। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है लाइब्रेरी की। तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया सी एंड स्पेशियस लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करें कलेक्शंस की, तो देखिए यहाँ पे 1 लाख प्लस आपको बुक्स पढ़ने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। उसके अलावा जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं एंड स्पेशियस रीडिंग रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया लाइब्रेरी है, बुक बैंक की फैसिलिटीज आपको लाइब्रेरी ऑफर करती है। तो लाइब्रेरी काफी स्पेशियस है, काफी बढ़िया लाइब्रेरी है, रीडिंग के लिए आपको स्पेशियस यहाँ पे हॉल मिल जाता है। तो लाइब्रेरी काफी बढ़िया है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में भी आपको काफी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है, राइट। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो इसके बाद बात आती है कोर्सेज की, जो एक पर्टिकुलर कॉलेज है आपको कौन से कोर्स ऑफर करता है, राइट। तो सबसे पहले बात आती है बीए प्रोग्राम की एंड उसके बाद बीए प्रोग्राम आप विद बंगाली, पंजाबी एंड संस्कृत से आप यहां से कोर्स कर सकते हो। उसके अलावा बीए प्रोग्राम में फिलोसफी आप कर सकते हो, बीए ऑनर्स में आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, बीए ऑनर्स हिंदी है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, बीए ऑनर्स संस्कृत है एंड उसके अलावा बीकॉम ऑनर्स भी आप यहां से कर सकते हो, राइट। अब बात आती है बीएससी की, तो बीएससी ऑनर्स में आप बॉटनी कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स से आप केमिस्ट्री कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स से मैथमेटिक्स कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी, बीएससी ऑनर्स जनरल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आप यहां से कर सकते हो, बीएससी फिजिकल साइंस आप यहां से कर सकते हो एंड बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस आप यहां से कर सकते हो, राइट। तो कोर्सेज आपको काफी सारी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स ऑफर करता है। सो इनमें से कोई भी कोर्स इस कॉलेज से करना चाहते हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, राइट। तो कॉलेज के कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की, तो देखिए फीस स्ट्रक्चर भी यहां पे क्लियर कर देता हूं। अगर आप बीएससी ऑनर्स का किसी कोर्स में एडमिशन लेते हो या फिर आप बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो, तो यहां पे आपको एक साल की जो फीस पे करनी होगी वो होगी आपकी 16,000, राइट। उसके अलावा अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो यहां पे जो आपको फीस पे करनी होगी वो होगी 12,346। उसके अलावा बीए ऑनर्स से अगर आप कोई प्रोग्राम करते हो तो उसके लिए भी आपको 12,345 फीस पे करनी होगी एंड अगर आप बीकॉम ऑनर्स यहां से करते हो तो भी आपको 12,346 जो फीस है वो पे करनी होगी। उसके अलावा अगर आप यहां से एमए करते हो, एमकॉम करते हो या एमएससी करते हो, तो उसकी जो फीस होगी वो होगी 12,432, राइट। तो फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा बता दिया है, कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। सो इसके बाद बात करते हैं अब आपकी प्लेसमेंट्स की, कि आप यहां पे कितना इन्वेस्ट करते हो एज ए फीस एंड यहां से आपको रिटर्न कितना मिलता है एज ए प्लेसमेंट, राइट। तो वो अगर हम बात करें यहां पे, तो देखिए यहां पे 3 साल की मैंने मीडियम पैकेज आपके सामने शो किया है। 18-19 का था 3.30 LPA, 19-20 का था 3.60 LPA एंड 20-21 का मीडियम जो पैकेज था वो था आपका 4.15 LPA, राइट। तो आपको मीडियम पैकेज यहाँ पे हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, तो आप समझ सकते हो कि प्लेसमेंट है वो हर साल आपको बढ़िया देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट ईयर जब आप एडमिशन लोगे या फिर आपने अगर एडमिशन लिया हुआ इस कॉलेज में, तो आपको हो सकता है कि इससे भी बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पे कॉलेज में देखने को मिल जाए, राइट। सो प्लेसमेंट कॉलेज की ठीक ठाक है। इसके बाद बात करें अगर हम सोसाइटीज की, तो देखिए कॉलेज में काफी सारी सोसाइटीज है। अगर आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है
तो आप इन सोसाइटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी और भी एक्टिविटीज होती है, जैसे आपको फोटो में यहाँ पे दिख रहा होगा सबरंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि इनका कल्चरल फेस्ट है, जो कि मार्च में होता है, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में इनका कल्चरल फेस्ट होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस कल्चरल फेस्ट में भी काफी सारी सोसाइटीज जो कॉलेज की हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, लाइक जैसे डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, क्विज वगैरह होते हैं, फोटोग्राफी सोसाइटी यहाँ पे अपने इवेंट दिखाती है, डिबेटिंग सोसाइटी अपने इवेंट करती है, फैशन सोसाइटी अपने इवेंट करती है। तो करीब आपका ये 2 दिन का पूरा फेस्ट होता है एंड इसमें काफी सारी सोसाइटीज अपने इवेंट यहाँ पे दिखाती है, राइट। तो काफी बढ़िया एक्सपोजर आप यहाँ से ले सकते हो। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें सोसाइटीज की, तो यहाँ पे देखिए एक रिवायत है जो कि इंडियन डांस सोसाइटी है, उसके अलावा डी स्क्वाड है जो कि एक वेस्टर्न डांस सोसाइटी है, उसके अलावा और भी काफी सारी सोसाइटीज जैसे इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी है, फैशन सोसाइटी है, फिल्म मेकिंग सोसाइटी है, क्विज सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी है, तो काफी सारी सोसाइटीज आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएगी, राइट। अगर आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो आप इन सोसाइटीज को ज्वाइन कर सकते हो एंड आपके अंदर का जो टैलेंट है उसको आप बाहर लेकर आ सकते हो, राइट। तो सोसाइटीज को ज्वाइन कीजिए, इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए एंड एक बढ़िया एक्सपोजर आपको यहां से मिल सकता है, राइट। सो इसके बाद बात अगर हम करें यहां पे आपके नोटेबल एलुमनाई की, देखिए काफी सारे नोटेबल एलुमनाई इस कॉलेज से पास आउट है। सबसे पहले बात आती है श्री गुलशन कुमार की, आई होप कि आप सभी इनको जानते होंगे, YouTube में भी इनका एक टी सीरीज जो आपने सुना होगा, टी सीरीज के फाउंडर हैं श्री गुलशन कुमार। उसके अलावा एक मिस्टर प्रभु चावला है जो कि आपके एडिटोरियल डायरेक्टर है न्यू इंडियन एक्सप्रेस के। उसके अलावा मिस्टर रघुराम है जिनको आपने रूडीज में देखा होगा, जो उसके रूडीज के प्रोड्यूसर और उसके अलावा एक्टर एंड क्रिएटर थे। उसके अलावा यहाँ पे मिस्टर रवीश कुमार को दिख रहे होंगे जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ NDTV इंडिया। तो और भी काफी सारे नोटेबल एलुमनी हैं, इस कॉलेज से पास आउट है। सो इसके बाद बात आती है एडमिशन प्रोसेस की, कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन के लिए आपको क्या स्टेप्स करने होंगे यहाँ पे, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। आप किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, राइट। उसके बाद उसका एडमिट कार्ड आपको मिलता है। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपको देना होता है एंट्रेंस एग्जाम CUT का। अगर आप किसी भी कॉलेज से अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करते हो DU के किसी भी कॉलेज से, तो आपको यहाँ पे CUT का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसकी प्रॉपर प्रिपरेशन हम आपकी करवाते हैं, राइट। सो इसके बाद आपको DU का एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस वगैरह चूज करने होंगे, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, राइट। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा एंड इस तरह से आपका एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज में, राइट। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कुछ एक स्टेप्स है ये आपको फॉलो करने होंगे। एंड अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर DU के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप CUT की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आज से ही आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, राइट। आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर सिर्फ आपको हेलो सेंड करना है एंड कोर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं सभी आपको शेयर कर दी जाएंगी, राइट। साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, सभी एंट्रेंस एग्जाम के डाउट सॉल्विंग टीम आपकी हेल्प करती है, ई बुक्स मिल जाती हैं GK वर्बल एंड LRDI क्वांट्स की एंड स्टडी का पूरा प्लान आपको मिल जाता है, राइट। इस तरह से आप एक बढ़िया से अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, नेक्स्ट से आप CUT को क्रैक कर सकते हो एंड एक बढ़िया से कॉलेज में आप भी एडमिशन ले सकते हो, राइट। आई होप कि हम इस वीडियो में जितनी भी बातें की सभी आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। सो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी काफी सारी वीडियो चैनल पर आती रहेंगी। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।